फैंसी ड्रेस शो में धमाकेदार परफॉर्मेंस लेकर आएंगे स्टूडेंट्स लोअर केजी, हायर केजी और थर्ड स्टैंडर्ड के, और आज वो चमकेंगे हमारे बीच सितारों बनकर। किसी भी बड़े काम में कामयाबी पानी हो तो ईश्वर का स्मरण बहुत ही जरूरी है, और हमारे प्रिंसेस स्कूल के बच्चे इस बात से बहुत ही अच्छी तरह वाकिफ है, और इसीलिए उन्होंने प्रिपेयर की है एक बहुत ही प्यारी सी आइटम। So please welcome the students of Holy Group. Holy Group में आपके सामने आएंगे रूपा रेलिया नील लोअर के जी ए से राम बनकर, सभाया हित हायर के जी डी से लक्ष्मण बनकर, चंद्रा वाडिया प्रांजल लोअर के जी ए से सीता जी बनकर, पाडलिया आर्यन हायर के जी बी से हनुमान जी बनकर, पंड्या देवर्ष ऑफ लोअर के जी बी एस नारद मुनि, दवे कुश लोअर के जी सी एज नारद मुनि, रामानी हर्ष ऑफ थर्ड ई एज श्री कृष्ण, डाबी ध्रुवेशा लोअर के जी ए एज राधा, विभाकर ओम लोअर के जी डी एज साई बाबा, पोपटमी सेकेंड ई से श्रीनाथ जी बनकर, न्याल चंदानी हार्दिक सेक थर्ड ए से शंकर भगवान बनकर, सावलिया दीप थर्ड ई से साधु बनकर,
नथवानी देवांशी थर्ड बी से खोडियार माताजी बनकर और फ्रॉम फोर्थ सी कम्स शेठ हिलोनी एज एन आर्टिकल सो प्लीज वेलकम द होली ग्रुप विथ अ बिग हैंड. Shiva.
कहते हैं कि बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। कलाकारों को आप जैसे कदरदान बढ़ावा देते आए हैं और इस बात से प्रेरित होकर आज हम भी यहाँ पर आपका प्यार और आशीर्वाद पाने आए हैं। कहते हैं कि कुदरत मेहरबान हो गई, बड़ी बड़ी हस्तियाँ हमारे कार्यक्रम में आने के वास्ते अग्री हो गई, जमीन थम गई, आसमां झुक गया और वो समय आ गया कि जिसका हमें इंतजार था। कला ईश्वरीय देन होती है और पूरी दुनिया कलाकारों की फैन होती है। आज की ये शाम खुशियों का पैगाम लेकर आई है और खुशियों के संग कई प्रेरणादायी मेहमानों को भी अपने साथ में लाई है।
मुझे चरानीय साहब नजर आ रहे हैं, बहुत कम बाहर निकलते हैं, हमारा प्यार है कि उन्हें यहाँ पे लेकर आया है, और वो बहुत कम बाहर जाते हैं, लेकिन वो अंकल के रिश्तों की वजह से, बच्चों की वजह से, और उनका हमारी स्कूल से पुराना नाता जो ठहरा, आज यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए हैं और मैं उनका स्वागत करता हूँ। बाकी कई मेहमान नज़र आ रहे हैं, एक बुके आया है, रंजन बेन वो बुके बता दीजिए, हाँ वो बड़ा सा बुके। मुझे ऐश्वर्या पाटड़िया के पेरेंट्स नज़र आ रहे हैं, कल भी वो आए थे हमारा हौसला बढ़ाने, और आज भी वो एक प्यारा सा बुके लेकर आए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू। अब मैं ममता मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वे मेहमानों को लेकर स्टेज पर तशरीफ लाएं, माननीय अंकल आंटी जी प्रवीण भाई भट्ट और मेहमानों को लेकर स्टेज पर तशरीफ लाएं, और हम कार्यक्रम को धड़ाधड़ आगे बढ़ाएंगे। प्लीज, हाँ दीपक भाई, यू जस्ट हेल्प देम आउट प्लीज। कल के कार्यक्रम में हमें सभी पेरेंट्स का बहुत प्यारा प्यारा साथ मिला था, कल का कार्यक्रम भी बेहद सफल कार्यक्रम था, और आज भी मुझे उम्मीद है, आशा है, पूरा विश्वास है कि आज भी आप लोग पूरा साथ देंगे और कार्यक्रम को कामयाब बनाने में मेरी मदद करेंगे। तो आंटी जी नज़र आ रही हैं, अंकल जी, ममता मैडम, प्रेम भाई भट्ट, यस आंटी जी प्लीज़ दिस साइड आइए, थैंक यू। तो अंकल जी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और हम सब तालियां बजा रहे हैं, जिसकी आवाज़ नहीं आ रही, हाँ अब आ रही है, प्लीज़ थैंक यू, बहुत अच्छे। आंटी जी ने भी उनका हाथ बटाया। अब माननीय श्री प्रवीण भाई भट्ट हैं और वो भी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, और उसके बाद में पीछे हमेशा की तरह ममता मैडम आ रही हैं, फीलिंग सो हैप्पी, यस दैट इज इट, हाँ यस, तालियां थोड़ी और, अच्छा लगता है, दैट्स ग्रेट, थैंक यू, प्लीज। आइए प्रेम भाई, ये कार्यक्रम जो होता है ना, उसमें 40-50 टीचर्स काम करते रहते हैं, 10-15 हमारे स्टाफ मेंबर्स होते हैं। मुझे गांधी भाई नज़र आ रहे हैं, त्रिवेदी सर नज़र आ रहे हैं, बारिया सर, दीपक भाई और धर्मेश सर, कोटक सर, सभी नज़र आ रहे हैं। बहुत से लोगों का साथ होता है तब एक कार्यक्रम जाके बनता है, और स्कूल में सभी टीचर्स के साथ में इंचार्जेस का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और सबसे पहले पारिक टीचर नज़र आ रही हैं, पारिक टीचर विल कम एंड वेलकम श्री प्रवीण भाई भट्ट, प्लीज, शी इज़ द इंचार्ज टीचर टू वेलकम श्री प्रवीण भाई भट्ट, प्लीज थैंक यू। आफ्टर पारिक टीचर उर्वी टीचर इज कमिंग टू वेलकम अंकल जी, प्लीज थैंक यू पारिक टीचर, प्लीज प्लीज आइए, वेलकम। अब आ रही है मेघा टीचर, अंकल जी का स्वागत किया उर्वी टीचर ने, थैंक यू, मेघा टीचर स्वागत करेंगी आंटी जी का, और अब बीना टीचर आएंगी ममता मैडम का स्वागत करने, थैंक यू प्लीज। अब तालियां धीरे धीरे कम होती जा रही है, दैट्स नॉट गुड, थैंक यू प्लीज, थैंक यू। अब ममता चंदा राणा टू प्रेजेंट अ मोमेंटो टू श्री प्रवीण भाई भट्ट, एक स्मृति चिन्ह है जो श्री प्रवीण भाई भट्ट को हमारी याद दिलाती रहेगा, प्लीज थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। कुछ लोग ज्यों ज्यों तरक्की करते जाते हैं, नई नई बुलंदियों को छूते जाते हैं, आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचते रहते हैं, त्यों त्यों वो ज्यादा विनम्र होते जाते हैं। प्रवीण भाई भट्ट एक ऐसे शख्स हैं जो हमारे ब्रह्म समाज की मुखिया हैं, ब्रह्म समाज के मुखिया हैं श्री प्रवीण भाई भट्ट, ये इस वैदे ही काम, ये हर रोज आती है बिटिया और बड़े प्यारे प्यारे बुके लेके आती है, वैदे ही नाम है इसका, और भावेश भाई जोशी की बिटिया है और उनकी मम्मी के साथ आती है, पद्मदीप और वैदेही दोनों स्टूडेंट्स बड़े प्यारे हैं, होनहार बच्चे, चार बुके लेके आई है चारों मेहमानों के लिए, आप ही दे दो ना प्लीज़।
वो ममता मैडम को तो पहले ही देगी. हाँ थैंक यू. अब गो फास्ट आंटी जी. यस आंटी जी को दे दीजिए ना, वहाँ मैं ले लूँगा उनसे. थैंक यू. हाँ शी विल गिव अ स्पेशल बुके. ऐसा है. हाँ अब आंटी जी को, हाँ अब अंकल जी को वो जैपनीज ड्रेस में वैदे ही, और फिर प्रवीण भाई भट्ट वो वहाँ पे. थैंक यू थैंक यू. आई विल टेक इट फ्रॉम हिम. ओके कन्वे माई थैंक्स टू योर पेरेंट्स. तो मैं कह रहा था कि कुछ लोग जैसे ऊंचाइयों को छूते जाते हैं वैसे विनम्र होते जाते हैं. ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल इक्वेशन है ऐसा कुछ, कि जितनी तरक्की फिर भी विनम्र ज्यादा. प्रवीण भाई भट्ट वो हमारे नागरिक बैंक के डायरेक्टर हैं और ब्रह्म समाज के मुखिया हैं. ऐसे में प्रवीण भाई भट्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे अपने आशीर्वचन दें. माननीय श्री इंदु भाई, आंटी, रवि सर, ममता मैडम तथा वालियों, आप पण जोई रहा छो कि अपना विद्यार्थी जे स्कूल में भणे छे ई स्कूल नी अंदर अपना विद्यार्थीओनो केटलो प्रोग्रेस छे ई आप पोते निहाळी शको ई माटे આજે સ્કૂલ તરફથી આવા કાર્યક્રમો અવારનવાર થાય છે. મને ચોક્કસ ખાતરી છે કે રાજકોટની અંદર જ્યારે અમે ઘણા વર્ષો પહેલાં એમ કહેતા કે ભાઈ રાજકુમાર કોલેજ એક જ સ્કૂલ એવી છે કે એને કોઈ ટક્કર મારી શકે નહીં, પણ આજની સ્થિતિએ આ પ્રિન્સેસ સ્કૂલ અને લિટર વંડર સ્કૂલ જે છે એ પણ જે જેને એની સમકક્ષ કક્ષાએ ઊભી છે. એટલે જે બધા વાલીઓ અહીંયા પધારેલા છે તેઓએ પણ ગર્વ લેવો પડે કે મારા દીકરા દીકરીઓ આ સ્કૂલની અંદર ભણી રહ્યા છે. હું જે છે એ ઇન્દુભાઈને તથા આંટીને, રવિ સર અને મમતા મેડમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને ઈશ્વર પાસે પ્રાર્થના કરું છું કે પણ હજી પણ વધારેમાં વધારે રાજકોટની અંદર આવી સારી સ્કૂલોનું આયોજન કરો તેવી વિનંતી. નમસ્કાર. थैंक यू. प्रवीण भाई भट्ट हर वक्त आते हैं और हमारा हौसला बढ़ाते हैं, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ. ये स्टेज पे जो आप मंडप सर्विस का काम देख रहे हो वो गैलेक्सी मंडप सर्विस के द्वारा तैयार किया गया है. सुशोभन जो है वो शिवानी डेकोरेटर्स के द्वारा तैयार किया गया है. फिर ये लाइट्स हैं वो ऑडिटोरियम की लाइट इफेक्ट्स के साथ में कमल साउंड सर्विस वालों ने लाइट इफेक्ट्स भी दी है, जो पंड्या भाई, धवल भाई, उनकी टीम वगैरह दे रहे हैं. साउंड सर्विस में भी वो कमल भाई पंड्या और हमारी ऑडिटोरियम की साउंड सर्विस विवेक भाई है, जयंती भाई हैं, अरुण भाई वगैरह मेरा साथ दे रहे हैं. वीडियोग्राफी के वास्ते राज स्टूडियो के वो खिमजी भाई, प्रतीक भाई वगैरह साथ दे रहे हैं. मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ. और टीचर्स और हमारे स्टाफ मेम्बर्स तो मेरा साथ देते ही हैं. मैं कह रहा था कि उसको नहीं देखा मैंने कभी पर उसकी ज़रूरत क्या होगी. उसको नहीं देखा मैंने कभी पर उसकी ज़रूरत क्या होगी. ए माँ तेरी सूरत भगवान से अलग क्या होगी. माननीय आंटी जी हमें मार्गदर्शन देती है, हमारा साथ सहकार देती है और हमारा समर्थन देके हमेशा आशीर्वाद देती रहती है, और हमारी तरक्की में उनके आशीर्वाद का बहुत बड़ा योगदान है. हमारे भट्ट परिवार की आधारशिला ममता मैडम बड़े साइलेंट वर्कर हैं. नाम जैसा वैसा ही काम. ममता मैडम बहुत प्रेरणा देती है और आर्टिस्टिक कामों में मेरा हाथ बटाती है. तो मैं ये लोगों का शुक्रिया ज़्यादा अदा करूँगा तो घर जाके डांट मिलेगी, तो अब इनको तो मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा. अंकल जी की बात कर लेते हैं. मजबूत मनोबल वाले, विशिष्ट कार्य शैली वाले हमारे अंकल जी. एक बार मन में कुछ ठान लेते हैं तो करके दिखाते हैं. उनके काम करने की शैली जरा विशिष्ट है. इतना काम करते हैं इस उम्र में फिर भी वो हमेशा रिलैक्स्ड और इजी गोइंग मूड में रहते हैं और एक के बाद एक काम निपटाते जाते हैं. इस उम्र में भी सभी कामों को बड़ी बारीकी से लेते हैं और बेमिसाल सफलता हासिल करते हैं. तो ऐसे माननीय अंकल जी से हम कुछ आशीर्वचन प्राप्त करेंगे. थैंक यू.
રાજકોટ નાગરિક બેંકના લોક લાડીલા ડાયરેક્ટર શ્રી પ્રવીણભાઈ ભટ્ટ, માનનીય આંટીજી, રવિ સર, મમતા મેડમ, સ્ટાફ મેમ્બર્સ, ટીચર્સ તથા વાલા વાલીઓ અને બાળકો, આજે સ્કૂલના 32 વર્ષ થયા અને હર વર્ષે કંઈક ને કંઈક નવું કરવું તેવી કલ્પના છે. છેલ્લા ઘણા વર્ષ થયા સ્કૂલનું 10th અને 12th રિઝલ્ટ 100% છે અને તેમાં ખાસ કરીને કોમ્પ્યુટર સબ્જેક્ટમાં કહું કે દરેક બાળક જેટલા એપિયર થાય તે 100માંથી 100 લાવે છે. તેને માટે ટીચર્સ, સ્ટાફ મેમ્બર્સ તથા વાલીઓને મારે ધન્યવાદ આપવા છે. છેલ્લા ઘણા વર્ષ ત્યાં કલ્પના હતી કે સારું એક બિલ્ડિંગ બનાવવું અને ગયા વર્ષે બાળકોના સગવડતા માટે એક આલિશાન બિલ્ડિંગ પ્રિન્સેસ સ્કૂલના બિલ્ડિંગની પછવાડે ઊભું થયું. છેલ્લા 4 મહિના થયા બાળકો વાપરે છે, એમને ઘણો જ આનંદ આવે છે અને ટીચર્સને તથા બાળકોને ભણવાની આ સુવિધા છે તે જરૂરથી એમના શિક્ષણના કાર્યક્ષેત્રમાં તથા ઇતર પ્રવૃત્તિઓમાં ઘણી મદદ કરશે. સ્કૂલે એક પ્રિન્સિપલ નક્કી કર્યો છે કે પ્રિન્સેસ સ્કૂલમાં બાળક આવે અને કોઈ કારણસર સ્કૂલનો કમાનાર અવસાન પામે અને સ્કૂલને આર્થિક મુશ્કેલી હોય તો તેવા બાળકને સ્કૂલે દત્તક લઈ લેવો, એમને ભણવાની તમામ જવાબદારી સ્કૂલે ઉપાડવી અને આવા 22 બાળકો છેલ્લા 32 વર્ષમાં કિસ્સા છે એને સ્કૂલ ભણાવે છે અને એની તમામ જવાબદારી સ્કૂલ ઉપાડે છે. આવા બાળકોમાં કારગિલનો બાળક છે, એને આજે 6 વર્ષ થઈ ગયા અને તમને જણાવતા મને આનંદ થાય છે કે સ્લમ એરિયાનો બાળક પણ આજે પોતાનું સ્થાન ક્લાસમાં પ્રથમ રાખે છે અને અમને નિર્માએ જણાવ્યું છે કે તમે 15 વર્ષ ત્યાં એમને ભણાવો, ત્યારબાદ એન્જિનિયરિંગનો કોર્સ અમે ફ્રી ઓફ ચાર્જ આપશું, એટલે આ બાળકને એન્જિનિયરિંગ થવાની પણ તક મળી છે. રાજકોટ મ્યુનિસિપલમાં એક પાઇટર છે, એમની તેજસ્વી બાળકી હતી અને એમને 10th 92% માર્ક આવેલા. મેં એમને પૂછ્યું કે બેટા તારી શું ઈચ્છા છે, તો કે મારે ડૉક્ટર થવું છે. મેં કીધું જ્યારે તું ડૉક્ટરમાં એડમિશન લે મેડિકલમાં ત્યારે દર વર્ષે અમારા તરફથી 5,000 સ્કોલરશિપ લઈ જજે. આજે એ બાળકી 3rd વર્ષમાં છે અને મેડિકલનો કોર્સ પણ હવે 1 વર્ષમાં પૂરો કરશે તેવી મને ખાતરી છે. હવે ટૂંક સમયમાં ઘંટેશ્વર ઉપર આપણો વિશાળ જગ્યા છે ત્યાં આપણું પ્લાનિંગ ચાલુ થઈ ગયું છે અને ત્યાં અદ્યતન સ્કૂલ બનાવવાની છે. તેના ચક્રો ગતિમાન થઈ ગયા છે. તે સ્કૂલની અંદર આર્ટ ઓફ લિવિંગ, યોગ, પ્રાર્થના, ફિઝિકલ ડેવલપમેન્ટ, કલ્ચરલ એક્ટિવિટીઝ અને સવારથી સાંજ સુધીની સ્કૂલ ચાલુ રાખવી એવી કલ્પના છે. ઈશ્વર કરશે તો 2 વર્ષની અંદર એ કાર્ય પૂર્ણ કરી અને રાજકોટની જનતાને એક બેનમૂન ચીજ આપવી છે એવી મારી કલ્પના છે. આવા પ્રોગ્રામો જ્યારે સ્ટેજ ઉપર થાય છે, નાના બાળકો 4 વર્ષથી 10 વર્ષના આવે ત્યારે તે એમાં સ્કૂલનો ફાળો તો હોય છે જ, પણ સાથે સાથે વાલી અને બાળકોનો પણ જહેમત ઘણી હોય છે. આ પ્રોગ્રામને સફળ બનાવવા માટે તમે બધાએ જે સાથ સહકાર આપ્યો તેને માટે સ્કૂલના તમામ સ્ટાફ મેમ્બર્સ વતી આપનો આભાર માનું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. હલો, થેન્ક યુ અંકલજી. મુજે હમારે ભટ્ટ પરિવાર કી વો કુસુમ ભાભી નજર આ રહી હૈ, મેં ઉનકે આશીર્વાદ પાના ચાહતા હું.
गांधी भाई का परिवार आया है, उन्होंने शुभकामनाएं भेजी हैं। भरत भाई कतेरिया की माता जी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने अपने आशीर्वाद भेजे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे गुजरात समाचार के पत्रकार कमल भाई भावसार ने अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास करके सरगम क्लब के श्री गुणन भाई डेलावाला और ये ऑडिटोरियम के जानी भाई हैं, उनके साथ सहकार के लिए मैं उनका एहसान मंद हूँ। और अब अंत में कल एक यहाँ पे अनाउंसर आई थी, वो डिस्कवरी चैनल में से सीधी निकल कर बाहर आई थी, क्या अंग्रेजी बोलती है, क्या हिंदी, क्या गुजराती में अनाउंसमेंट करती है। श्रेया टीचर छा गई थी कल, और श्रेया टीचर ने पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, वो बोलती है कि मैं ऐसे तो बचपन से कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, बट आई विल ऑलवेज रिमेंबर द स्टाफ मेंबर्स एंड मैनेजमेंट एंड ऑल द स्कूल पीपल फॉर एनकरेजिंग मी, फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल ब्रेक। तो वो चुलबुली सी सुरीली सी अनाउंसमेंट आ रही है, छा रही है, सम्मोहित करने आ रही है, हम सबको मेस्मराइज कर देगी, लेकिन उससे पहले वो सबके आशीर्वाद पाना चाहती है। तो मैं श्रेया टीचर से रिक्वेस्ट करूँ वो जल्दी से आ जाएं, मेहमानों के आशीर्वाद ले लें, फिर कार्यक्रम को धड़ाधड़ आगे बढ़ाएं। आइए, लेट्स वेलकम श्रेया टीचर एंड श्रेया टीचर टू टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ ममता मैडम, अंकल जी, आंटी जी एंड प्रवीण भाई भट्ट, प्लीज। कुछ लोग बेहद उत्साहित होते हैं, शी इज वेरी एंथू, और थोड़ी आवाज तो आपने सुनी है, ज्यादा आवाज आप सुनेंगे। थैंक यू, ब्लेस हर, शी नीड्स योर ब्लेसिंग्स, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच श्रेया टीचर, वुड यू लाइक टू सी देम ऑफ, जस्ट टेक देम टू देयर प्लेस, ड्रॉप देम टू देयर प्लेसेस, थैंक यू, प्लीज, थैंक यू एवरीबॉडी, कम, ओके, थैंक यू प्रेम भाई, प्लीज वेलकम। हार्टी गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी वंस अगेन। हमारे बच्चों में काबिलियत इतनी है कि अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता, उन्हें बस इंतज़ार है तो एक मौके का, और आज प्रिंसेस स्कूल ने उन्हें ये मौका दिया है। हमारे प्रिंसेस स्कूल के बच्चे ऑलराउंडर है, यानी कि सभी काम में माहिर। आप उनसे कभी ये नहीं सुनेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, और इसी विश्वास के साथ उन्होंने पार्टिसिपेट किया है आज के ये फैंसी ड्रेस शो में। उनके इस विश्वास के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। बच्चों में जब अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है तो सचमुच बहुत ही अच्छा लगता है। अब देखिए ना, आज के इस शो में भी वो अपने देश को नहीं भूले। तो अब आपके सामने आएगा सोल्जर्स एंड पुलिसमैन ग्रुप, और इस ग्रुप में होंगे जाला प्रियंका फ्रॉम फर्स्ट बी एज भारत माता, घघरा विराज ऑफ थर्ड डी एज गांधी जी, दुबल शुभम फ्रॉम हायर केजीडी एज सुभाष चंद्र बोस, पोपट राहुल फ्रॉम लोअर केजीसी एज ब्लैक कमांडो, और सब सोल्जर्स आएंगे आपके सामने जो है सखिया सोहन लोअर केजी ए से, लाडानी जील लोअर के जी सी से, सोलंकी आदित्य लोअर के जी ए से, और फिर आपके सामने आएंगे पुलिसमैन बनकर व्यास प्रणव लोअर के जी बी से, कंसाग्रा उमन लोअर के जी बी से, काव्या पितेश लोअर के जी सी से, मुकरिया मोहिल हायर के जी बी से, ठाकर जय हायर के जी बी से, शर्मा अर्चित हायर के जी सी से, और रबारिया चिराग लोअर के जी डी से। So please welcome the soldiers and policemen group with a big hand. Show you the pattern of the game.
सचमुच हमारे देश के जवान काफी छा गए। अब जब देश के जवानों की बात हो रही है तो देश के वीरों को कैसे भूला जा सकता है। तो अब आपके सामने आएंगे खेतानी रौनक रोलोवर KGB से पृथ्वीराज चौहान बनकर। सो प्लीज वेलकम हिम विद अ बिग हैंड। अब हमारे सामने आएगा एक बहुत ही प्यारा सा रैबिट जो बिल्कुल ही रैबिट की तरह छोटे प्यारे और स्नो वाइटी है। सो प्लीज वेलकम हडवानी बोनी ऑफ लोअर KGB एज अ रैबिट विद अ बिग हैंड। Received a very beautiful blessing from Mr. Bharat Bhai Katira. Thank you so much, sir, for your consent once again. बच्चे कब किस रूप से प्रभावित हो जाए पता ही नहीं चलता। तो अब कुछ ऐसे ही रूप में आपके सामने आएंगे ठाकर निसर्ग हायर KGC से जो आज बने हैं एक मिल्कमैन। सो प्लीज वेलकम ठाकर निसर्ग ऑफ हायर KGC एज अ मिल्कमैन। मोरा मोगो वालिया रमो मारा गड़ो मेरे लीने
साथ थे हमारे स्कूल के जाने पहचाने गांधी धन्वी, तो एक बार फिर गांधी धन्वी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। आज एक बार फिर बीते हुए वक्त को याद किया गया है। अनारकली, जिन्हें हम सब जानते हैं और जिन्होंने जिंदगी के हर कदम पर सिर्फ इम्तिहान ही दिए हैं, आज हमारे सामने आएंगे रानपरा हितांशी थर्ड बी से, जो बने हैं अनारकली। सो प्लीज वेलकम हर विथ अ बिग हैंड। जिले लाही, आपके इस चिदी संतराज ने हमें भूत बनने पर मजबूर किया था। कौनिस देखना चाहती है कि अफसाने हकीकत में कैसे बदलते हैं। कौनिस हिंदुस्तान की मलिका बनना चाहती है। बच्चियां परियों से बिल्कुल ही कम नहीं, आज तो शायद जन्नत में रहती उन परियों को भी जलन होगी। सो नाउ कम्स बिफोर यू द फेरीज ग्रुप, और फेरीज ग्रुप में होंगे रूपानी फ्रेनी लोअर केजी सी से, गजेरा कक्षा लोअर केजी डी से, शाह निधि हायर केजी सी से, राठौर मान सी फ्रॉम लोअर केजी बी, व्यास शिवानी ऑफ हायर केजी सी एंड लेथ्रोजा नेहा ऑफ थर्ड ए। दूर ही रहना